शनिवार की रात एक बार फिर आसनसोल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस के कर्मी सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक के नेतृत्व में वार्ड नंबर 40 के लगभग 200 से भी अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल का झंडा थामकर दल की सदस्यता ग्रहण की। बनर्जी को सरकार को ममता बनर्जी को टीएम सवाल है, आप लोगों को मालूम है। ये वार्ड में हम लोग पिछले कई चुनाव में देखे है कि यहाँ पर हम लोगों का जो वोट मिलता है वो वोट हम लोग का जीतने का जगह में नहीं ले जाते हैं। आज के 40 नंबर वार्डे जरा बीजेपी किस नेतृत्व एवं कर्मी ता माननीय मंत्री और विधायक मोरई घटक आवेदन करें कि तरा तृणमूल कॉग्रेस जोगदान करते चान ममता बंदोपाध्याय आदर्शे अनुप्राणित हुए तर उन्नयन देखे तरा तृणमूल कॉग्रेस जोगदान करते चाहिए से जोगदान कर्मसूची हमें करे बहुसंख्यक युवक एवं एलकार मानूष तरा आज के बीजेपी ऐड़े तृणमूल कॉग्रेस जोगदान करा बुझते पे बीजेपी जो दलटी से ही दलता क्योंकि मानुषर संगे थके मानुषर क्या करे मानुषर पास असमय थके शुदुम्र निवाचन समय मानुष के मिथ्या कथा बोले मिथ्या प्रतिश्रुति दिए ता भोट नवर चेषा करें এবং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব যেভাবে তিনি দিচ্ছেন তার নেতৃত্বে তারা তৃণমূল যুব কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এই যুবকরা কিন্তু আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবে। কতজন? প্রায় 200-250 ছিল। आसनसोल के कल्ला स्थित अपन जोन क्लब की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जहां रविवार को अपन जोन क्लब और रानीगंज बाबू फुटबॉल कैट्स के बीच फाइनल मैच खेला गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने पहुंचे राज्य मंत्री मलय घटक। उन्होंने फुटबॉल मैच के आयोजनकर्ताओं की सराहना की। आज के हमारा दूजों स्थिति उद्देश्य जो फुटबॉल खेल आयोजन दर्शक समागम थे बोझा जा जे ये फुटबल खेला एवं जे दूजे स्मृतर उद्देश्य आज के फुटबल खेला ता कतटा सफल एखो खेला शुरू होनी खेला देखार सूझ है तो हलो ना कितु निश्चय एक दल जितने और एक दल तो हार पराजित हो खेलाते हार एवं जीत था कितु हमें दो दल ही सदस्य शुभेच्छा जानिए जाए जरा उद्योता তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে একটা সুন্দর মাঠ এখানে বসে একটা সুন্দর মাঠ একদম সবুজ গালিচা মতো দেখা যাচ্ছে। আগামী দিনে আরও ফুটবল খেলার এখানে আয়োজন হোক, ভালো করে ফুটবল খেলা হোক, এটা নিশ্চয়ই আমরা চাইব। এবং রাজু বাউরিকে আমরা হারিয়েছি, তারা সুখে থাক শান্তিতে থাক এই কামনা করি। इनके अलावा नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी, समाज सेवी कृष्ण प्रसाद, प्रशासनिक सदस्य श्याम सोरेन, उत्पल सिन्हा, गौर घोष, अरूप मंडल एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस फुटबॉल मैच के शुरू होने से पहले यहां वेटरन टीमों के बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें समाज सेवी कृष्ण प्रसाद ने भी भाग लिया। उन्होंने फुटबॉल खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। उन्होंने कहा कि कल्ला के इसी मैदान से विभिन्न जिलों के 7 टीमों के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें एक टीम झारखंड और बिहार से भी शामिल होगी, जिसका फाइनल मैच 12 जनवरी 2022 को खेला जाएगा। सिंध गुजरात सिंध हिमाचल তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঠে প্রবেশ করুন। অধিনায়ক আমরা কুড়ি দিন ধরে ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে, আজকে ফাইনাল ম্যাচ ছিল আমাদের মাঝে। আজকে হাজার হাজার দর্শক আমাদের ধরতিপুত্র অমরদা উৎপলদা আর আমাদের মাস্টার মশাই আছেন
বিশ্ব সাহেব আছেন, পুরো বিশ্বের যে মন্ত্রী মহাশয় আছেন, আমাদের আদরণীয় অমরদা আছেন, উৎপল সিনহাজি আছেন, আমরা সবাই মিলে যদি একটা আবেদন করি সরকারকে, কোন মিনিস্টারকে, রেল মিনিস্টারকে, এই চাকরি ফিল শুরু করা হোক। এরকম পুরো পশ্চিম বর্ধমানে আমাদের ছোট ভাই বোনরা, এরকম প্রতিভাশালী বাচ্চারা আছে যে সে সুযোগ পাচ্ছে না। আমি অমরদাকে নিবেদন করব, দাদার সঙ্গে তো কথা হয়েছে মনেদার সঙ্গে, আমরা সবাই মিলে স্পোর্টসকে চলুন এগিয়ে নিয়ে যাই। আর এই মাধ্যমে খেলাধুলা মাধ্যম, খেলাধুলা এরকম মাধ্যম আছে যে সব রকম আমাদের সংস্কার থেকে, সংস্কৃতি থেকে সবকিছু এগিয়ে। খেলাধুলা যদি আমরা ফিট থাকি, মানসিক যদি সন্তুলন থাকে, তো পড়াশোনা ভালো হবে, পড়াশোনা ভালো হলে চাকরি হবে। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে আমরা 60টা টিম নিয়ে খেলা করব, যেরকম পশ্চিম বর্ধমান একটা টিম থাকবে, পূর্ব বর্ধমান একটা টিম থাকবে, বাঁকুড়া একটা টিম থাকবে, পুরুলিয়া একটা টিম থাকবে, বীরভূম একটা টিম থাকবে, উত্তর চব্বিশ পরগনা আর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব থাকবে, যে কলকাতা টিম আর বিহার আর ঝাড়খণ্ড মিলে একটা টিম থাকবে, সাতখানা আটখানা টিম থাকবে, সাতটা ম্যাচ হবে, তিন দিনের ম্যাচ আমরা করাবো, আর 12 তারিখে আমরা ফাইনাল করবো, কালনা মাঠে আমরা ম্যাচ করবো। আমাদের ম্যানেজার মোলায়দা বলেছেন, আমাদের বড় দাদা, সকলে বড় দাদা, আদরণীয় মাননীয় মোলায় কন্ট্যাক্ট সাহেব বলেছে আসন সুন্দর হবে, আসনসোলকে নিয়ে এগিয়ে যাই। আমাদের আমাদের ছোট বোন ভাই যা আছে, আর সকলকে বলবো ছোট স্পোর্টসম্যান আছে, আসুন আমরা একটা সংগঠন করে স্পোর্টসকে খুব এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে যাবো আমরা। আর আমি অমরদাকে অনুরোধ করবো যে আমরা একটা কোচ টিম দরকার আছে, যেরকম সেন্ট্রালে স্টেডিয়াম নাই, আর আমার অনেক বড় পরিকল্পনা আছে এই স্টেডিয়াম নিয়ে। फुटबॉल मैच में शामिल होने से पहले कृष्णा प्रसाद आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 14 स्थित तपसी बाबा मंदिर प्रांगण में एक बैठक की। ये बैठक मंदिर में खंडित हुई शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई। बता दें कि आने वाले 22 फरवरी 2022 को शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा कई तरह की अहम घोषणाएं कृष्णा प्रसाद ने इस बैठक के दौरान की। इस बैठक में रामनिवास सिंह, बबुआजी सिंह, रामजी सिंह, अंबिका शर्मा, कैलाश राय, राधेश्याम चौबे, राजेश मिश्रा, सुदर्शन सिंह आदि शामिल हुए। हमारे सांस्कृतिक जरूरत, एक मीटिंग में ये सारा काम नहीं हो सकता, दो चार मीटिंग का जरूरत है। रही बात इस मंदिर की, तो मंदिर में सबसे जरूरी है सौंदर्यकरण करने के लिए, एक पार्क तरह बने, खूबसूरती आए। ये जहाँ जगह है, बहुत जगह है, इस जगह में भगवान का जो मंदिर का ज़रूरत है, बहुत जगह मार्बल का ज़रूरत है, रंग का ज़रूरत है। चाचा जी बता रहे थे कि इसको ऊपर में अगर कर दिया जाए, आज हमारे समाज में जो जो भी समाज में गरीब तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका मान लीजिए कि बेटी का, बेटा का, जिसका भी हर तरह का शादी विवाह का कार्यक्रम हो सकता है, जो सक्षम है उनका भी हो सकता है, तो मंदिर से पवित्र जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ भी शांति है। जैसे मैं सूर्य मंदिर गया था सीतारामपुर में, वहाँ भी बहुत शांति भाव लग रहा है। करिए अगले रविवार संख्या को बढ़ाइए, साउंड रखिएगा, उस दिन विधिवत हर तरह का घोषणा कर दिया जाएगा कि मंदिर में मेरे तरफ से क्या अनुदान रहेगा, हम मेरा से जो सहमत होगा मैं करूँगा, हमसे जो हो बन पड़ेगा, और बाकी लोग को भी जोड़ करके इसको भव्य मंदिर के यहीं से तैयारी किया जाए और खूबसूरत हम लोग समाज के लिए चलिए आगे बढ़ के काम करने के। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल।